हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 4.5 रुपए से ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है और यह स्टॉक ऑलमोस्ट 2.5% से भी ऊपर की ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक में टेक्निकल चार्ट पर आए तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहेगा, जहां पर इस स्टॉक में पीछे के एक हफ्ते में अराउंड ये स्टॉक 9% से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है और एक महीने में इस स्टॉक में 4.5% की गिरावट देखने को मिली और 3 महीने में इस स्टॉक में 30% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो अगर हम देखें तो इस स्टॉक में निचले लेवल से लगातार एक खरीददारी होती हुई नजर आ रही है, जहां पर अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में एक पॉजिटिव चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां पर इस स्टॉक में 132 रुपए के बाद में लगातार एक बड़ी खरीदारी होती हुई नजर आई और यहाँ पे इस स्टॉक में 190 रुपए के पास इस स्टॉक में एक बॉटम बनता हुआ नजर आएगा। वहीं से इस स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली और निचले लेवल पर इस स्टॉक ने एक सपोर्ट लगाया 164 रुपए के आसपास का। 164 रुपए के इस स्टॉक का एक अब अहम सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहेगा, जहां से इस स्टॉक में लगातार एक खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। अब ये स्टॉक देखें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर ये स्टॉक 9 रुपए ऊपर अराउंड 190 रुपए के पास ही इस स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको एक शॉर्ट टर्म टारगेट जो कि अराउंड 176 रुपए का, आप इसको शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ से शॉर्ट टर्म टारगेट 185 रुपए और 190 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। 190 रुपए के बाद इस स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जहां पर ये स्टॉक 250 रुपए तक के टारगेट दिखाता हुआ नजर आएगा लॉन्ग टर्म में। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक में अब यहाँ से एक तेजी का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहेगा, क्योंकि देखें तो इस स्टॉक में एक काफी बड़ा रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहेगा, जहां पर 4 दिनों से एक खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए, वहां पर आपको बड़े रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें अराउंड पीछे के 6 महीने में, तो ये स्टॉक में 32% का रिटर्न दिया आएगा और ये स्टॉक फिर से एक तेजी का कैंडिडेट बनता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।